नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंट रॉकेट्स और बिर्मिंगम फिनिक्स के बीच में होने वाले D100 के मैच नंबर 9 के बारे में। एज यूजुअल दोस्तों ये वाला मैच आज रात को 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन ये वाला जो मैच है दोस्तों ये खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज मैदान में। और इस मैदान में दोस्तों अभी तक इस सीजन में कोई भी मैच नहीं खेला गया है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब हो गया आज वाले मैच में अपने को एकदम फ्रेश पिच देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हमेशा करें दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, बहुत अच्छी एनालिसिस हम कर लेंगे। बस आपको इतना सा करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊं ना, उनको ध्यान से सुन लेना है, उनको ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आज रात को 10:30 बजे जब इस मैच का टॉस होगा तब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से इस मैच की एक काफी बेहतरीन टीम बना पाओगे और काफी अच्छा प्रॉफिट आप आज वाले मैच में भी कमा पाओगे, है ना। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो यार, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको आगे एक टीम भी बना के दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों मेरी जो फाइनल टीम होगी जिससे मैं खुद भी खेलूंगा, वो हमेशा की तरह आप लोगों को टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि टॉस के बाद ही दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 और फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, उसी को देख के हम अपनी फाइनल टीम बना सकते हैं, है ना। एक डेमो टीम हम इस वीडियो में बना लेंगे, लेकिन फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है ना। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। फिलहाल में दोस्तों 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो तो मेरे भाई आपका मोस्ट वेलकम है, लिंक आपको बता दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में, वेन्यू रिपोर्ट के बारे में। तो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के अंदर है ये मैदान, है ना, और इस सीजन का पहला मैच यहां पर खेला जाएगा। लास्ट मैच दोस्तों जो यहां पर खेला गया था वो था ट्रेंट और बिर्मिंगम फिनिक्स के बीच में ही था ये वाला मैच, लेकिन ये वाला मैच था दोस्तों 19 अगस्त 2023 को, है ना, लगभग एक साल इस बात को हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों देखो यार, पिच की अगर मैं बात करूं तो अपने को जो थोड़ा बहुत आइडिया है उस हिसाब से तो पिच रिपोर्ट में आपको बता देता हूं कि हाँ भाई बैट्समैन को सपोर्ट रहेगा और पेसर्स को सपोर्ट रहेगा, स्पिनर्स को यहां पर दोस्तों थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलता है ना, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा गया है कि स्पिनर्स एक की रोल प्ले कर सकते हैं। उसका सिर्फ एकमात्र रीजन यह है क्योंकि लास्ट मैच जो यहां पर खेला गया था उसको एक साल हो गया है, एक साल में डेफिनेटली जो पिच है वो बदल चुके हैं, पिच पर काम किया गया है, हो सकता है पिच अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर जाए, है ना। अपन तो जो डेटा है अपने पास उसी के हिसाब से पिच रिपोर्ट देख सकते हैं फिलहाल में, है ना। फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास टॉस के बाद आएगी, वो देख लेंगे, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो, है ना। लेकिन अगर जनरल पिच रिपोर्ट में आपको बताऊं ट्रेंट ब्रिज की, तो यहाँ पर दोस्तों बैटिंग को सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर जाता है, 100 बॉल्स है। आप ये भी देखो, एक चीज ध्यान रखना हमेशा अपने दिमाग में, ये बात ध्यान रखना कि ये जो मैच हो रहे हैं ना ये T20 गेम नहीं हो रहे, इसमें 120 बॉल्स नहीं फेंकी जा रही जो कि 20 ओवर में फेंकी जाती है ना। यहाँ पर ओनली 100 बॉल्स फेंकी जा रही है और 100 बॉल में दोस्तों अगर कोई टीम 150 रन भी बना देती है ना तो वो बहुत अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। 150 रन मतलब कि हाई स्कोरिंग गेम 100 बॉल्स में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा स्कोर जाता है, जैसे कि 162 का स्कोर इस मैच में गया, 181 का भी स्कोर गया, तो आप खुद समझ सकते हो कि बैटिंग को यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट है ना। उसके अलावा दोस्तों बॉलिंग में आप यहाँ से देख सकते हो, पेसर्स ने 43 विकेट निकाले पिछले 4 मैच में, ठीक है, और स्पिनर्स ने ओनली 10 विकेट निकाले, तो आपको खुद को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पेसर्स को जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको यहाँ पर स्पिनर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 150 से 170 के बीच में आप आज वाले मैच का भी देख सकते हो, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने है। बाकी दोस्तों वेन्यू स्टेट्स की मैं बात करूं तो आज तक टोटल 12 मैच यहां पर खेले गए हैं 100 के, जिनमें से दोस्तों 7 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 5 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा आप तो ध्यान रखो कि भाई बैटिंग को सपोर्ट मिलेगा और पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा और एक ठीक ठाक स्कोरिंग मैच 150-160 वाला अपन आज वाले मैच में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और वो भी स्पेशली मैं तो तब बोलूंगा जब ट्रेंट रॉकेट अगर पहले बैटिंग करती है ना, तब 150-160 आपको आसानी से जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। ये बात हो गई है दोस्तों पिच रिपोर्ट वेन्यू रिपोर्ट की, लेकिन ध्यान रखना फाइनल पिच रिपोर्ट टॉस के बाद वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों पिछले जो 4 मैच ट्रेंट ब्रिज में खेले गए थे D100 के, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में। तो डेफिनेटली दोस्तों इस सीजन में तो अभी तक कोई भी मैच हुआ नहीं है, सारे मैच ये पिछले सीजन के हैं। एक बार के लिए ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो ये 29 अगस्त को दोस्तों मैच हुआ था ट्रेंट और बिर्मिंगम के बीच में। ट्रेंट ने पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए थे और बिर्मिंगम चेस नहीं कर पाई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों विकेट्स की, तो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने 5 विकेट निकाले, स्पिनर्स ने 1 विकेट निकाला, और सेकंड इनिंग में दोस्तों पेसर्स ने 5 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले, है ना। तो स्पिनर्स के हाथ टोटल 4 विकेट पड़े लेकिन पेसर्स के हाथ टोटल 10 विकेट मिले, तो यहां से भी ध्यान पड़ ही जाता है अपने को कि भाई पेसर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है।
अगर आप दोस्तों पिछले चार मैच का टोटल देखोगे तो टोटल विकेट आपको स्पिनर्स के ओनली 10 दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर चार विकेट आ गए, यहाँ पर स्पिनर्स के चार विकेट आ गए, कितने हो गए 8। इस मैच में स्पिनर के 2 विकेट, तो 10, और इस मैच में स्पिनर को मिला ही नहीं, है ना। तो पिछले चार मैच में टोटल स्पिनर ने 10 विकेट ही यहाँ पर निकाले, पेसर्स ने 40 प्लस विकेट निकाले। आप आराम से सारे रिकॉर्ड देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ है, बस कैटेगराइज कर दिया कि पेसर्स में से कौन से पेसर ने ज़्यादा निकाले। तो 43 में से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विकेट मिले वो यहाँ पर ध्यान रखना लेफ्ट आर्म पेसर्स को मिले, है ना, 3 विकेट्स। बाकी स्पिनर्स को तो वैसे भी कमी मिले। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 5 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों बिर्मिंगम फिनिक्स के पास थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूं कि रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैच 5 में से उन्होंने जीते, 2 मैच ट्रेंट रॉकेट ने जीते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स की जो टीम है वो मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और आज वाले मैच में ट्रेंट रॉकेट आपको बाजी मारती हुई दिख सकती है, ठीक है। मैदान कौन सा है दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज, है ना, उसका होम ग्राउंड हो गया ट्रेंट रॉकेट्स का। तो होम ग्राउंड एडवांटेज भी आज ट्रेंट रॉकेट्स की टीम के पास है, और ध्यान रखना मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेंट रॉकेट्स आज वाले मैच में बाजी मार के निकल जाएगी, ठीक है। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये बिर्मिंगम फिनिक्स की रिसेंट परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन के सामने। इस सीजन में दोस्तों 2-2 मैच खेले हैं दोनों ही टीम ने। जो अगर मैं बात करूं बिर्मिंगम फिनिक्स की, तो जो इनकी स्टार्ट हुई थी वो एक हार के साथ हुई थी, ये लूज, लेकिन सेकंड मैच में दोस्तों उन्होंने कमबैक किया, जीता। और बाकी ट्रेंट रॉकेट की दोस्तों ये सीजन काफी अच्छे से स्टार्ट हुआ है, 2 मैच अभी तक जो इस सीजन में खेले हैं दोनों मैच इन्होंने जीते हैं। ये जो आगे के मैच देख पा रहे हो ये पिछले सीजन के, ठीक है, उनको अपन ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। बस इस सीजन की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी फॉर्म में ट्रेंट रॉकेट है, आज वाले मैच में ट्रेंट रॉकेट बाजी मार के लेके जा सकती है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो यार ट्रेंट रॉकेट की जो प्लेइंग 11 है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। ये भी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंट रॉकेट की जो टीम है वो ही ज्यादा अच्छी इस टाइम पे परफॉर्मेंस कर रही है, इन्हीं के पास प्लेयर्स ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने ये प्लेइंग 11 आराम से आप देख लो। यहाँ पर एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म है टू बी ऑनेस्ट, है ना। टॉम बेंटन काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ये आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। एडम लिथ है, ध्यान रखना एलेक्स हेल्स और एडम लिथ में से कोई भी ओपन कर सकता है ना। टॉम बेंटन करेंगे, लेकिन उनके साथ एलेक्स हेल्स भी हो सकते हैं, एडम लिथ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम हैन है, रोमन पवल है, इमाद वसीम, लुइस ग्रेगरी है, राशिद खान है ना। यहां तक दोस्तों इनके पास बैटिंग अवेलेबल है, जॉर्डन थॉमसन भी बैटिंग करते हैं, तो इनके पास टोटल 9 ऑप्शन अवेलेबल है बैटिंग के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। 9 बैटिंग ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, इसलिए बैटिंग डेप्थ इनको मिल जाती है। और बॉलिंग दोस्तों इनके पास सैम कुक है, जॉर्डन थॉमसन है, लूक वुड है, राशिद खान है, लुइस ग्रेगरी है, इमाद वसीम है ना। 6 इनके पास दोस्तों बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, तो बैटिंग भी भरपूर है, बॉलिंग भी भरपूर है, इसीलिए इनको कोई दिक्कत नहीं आती, ये मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ध्यान रखना ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, फाइनल प्लेइंग 11 अपने को टॉस के बाद ही पता लगेगी, और वो मैं आपके साथ हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। फिलहाल में हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स के सारे स्टेट्स के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है एलेक्स हेल्स का ही, राइट हैंड बैट्समैन है। दी 100 में दोस्तों रिकॉर्ड डिसेंट होल्ड करते हैं, 27 मैच आज तक इन्होंने दी 100 में खेले, जिनमें 548 रन इन्होंने बनाए हैं, 21 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, चलो डिसेंट है ना। बाकी अगेंस्ट में 27 का बैटिंग एवरेज है, यानी कि बिर्मिंगम फिनिक्स के अगेंस्ट चलो और भी अच्छा खेलते हैं, इस वेन्यू पर भी अच्छा रिकॉर्ड है, 27 का बैटिंग एवरेज इस पर्टिकुलर वेन्यू पर होल्ड करते हैं, तो वेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा है। बस ऐसा है कि रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी खराब है ना। इस सीजन में दोस्तों इन्होंने जो 2 मैच खेले ना, उन दोनों ही मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। पहले मैच में 6 रनों की पारी आई, तो दूसरे मैच में 10 रनों की पारी आई। अभी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि पिच के ऊपर टाइम बिताने की जरूरत है, थोड़े से पेशेंस के साथ खेलने की जरूरत है, जल्दबाजी करेंगे तो अपना विकेट देके जाएंगे, थोड़ा सा ये फॉर्म से जूझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास टॉम बेंटन का ऑप्शन आ जाता है। एलेक्स हेल्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना मैं अपनी स्मोली की टीम में उठाने वाला हूं, हालांकि दोस्तों ये बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्मोली की टीम में उठाने का सोच रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि ट्रेंट रॉकेट्स की टीम मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रही है इन कंपैरिजन ऑफ बिर्मिंगम फिनिक्स, है ना। तो मैं ट्रेंट रॉकेट्स के ही मोस्ट ऑफ द बैट्समैन उठाऊंगा, बिर्मिंगम फिनिक्स के ऑलराउंडर्स में अपनी टीम में रखूंगा, बैट्समैन या विकेट कीपर उनकी टीम की तरफ से मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। यहां से दोस्तों टॉम बेंटन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म काफी अच्छी चल रही है, जो 2 मैच इस सीजन में खेले उनमें पहले मैच में 66 रनों की पारी, तो दूसरे मैच में 45 रनों की शानदार पारी आई, है ना। 200 के समथिंग के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी स्मॉली की टीम में उठाएंगे ही उठाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास एडम लिथ का ऑप्शन आ जाता है, इनको दोस्तों हम अपनी स्मॉली की टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, ये बंदा भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेफ्ट हैंड बैटर है ना। पिछले जो 2 मैच इन्होंने खेले, एक में 12 रन, एक में 9 रन आए हैं, पिछले मैच में दोस्तों एक आधा ओवर बॉलिंग भी मिली थी, लेकिन बॉलिंग अपन इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज एडम लिथ इज नॉट अ बॉलर, है ना। उसके अलावा दोस्तों रिकॉर्ड वगैरह आप देख सकते हो, 19 मैच 100 में खेले हैं, 389 रन बनाए, 21 का बैटिंग एवरेज है, अगेंस्ट में दोस्तों 2 मैच में 56 रन है, वेन्यू पर कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, खेला ही नहीं है ज्यादा, है ना। तो एडम लिथ को हम जरूर अपनी स्मॉली की टीम से ड्रॉप करने का देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेम हैन आ जाते हैं, सेम हैन के बारे में दोस्तों मैंने आपको एक ही चीज बोली जो लास्ट वीडियो में लेके आया था, उसमें भी बोला था कि काफी अंडररेटेड प्लेयर है
है ना इस सीजन में दोस्तों, इस सीजन में क्या वो मतलब जहां पर भी खेलते हैं लगभग कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले मैच में दोस्तों ओनली 12 रनों की पारी आई, उससे बड़ी नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले ही मैच में 49 रनों की शानदार पारी आई थी। और मैं तो देखो एक बार वापस सैम हेन को अपनी स्मॉली की टीम में उठाने का रिस्क लेने वाला हूं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप चाहे से सैम हेन को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, है ना। ध्यान रखना दोस्तों वेन्यू पर 39 के समथिंग का बैटिंग एवरेज सैम हेन होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास रोमन पवल का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन ये है, पावर हिटिंग कर सकते हैं, वही बात है, पावर हिटिंग करने के चक्कर में अपना विकेट भी देके जा सकते हैं जल्दी। पिछले मैच में दोस्तों 27 रनों की पारी खेली थी, पावर हिटिंग इन्होंने की थी, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग की कुछ बॉल्स में ये बंदा भी स्ट्रगल कर रहा था और अपना विकेट देके जा सकता था, है ना। और कुछ ऐसा ही हो सकता है, देखो पावर हिटर्स की ये एक समस्या होती है, एक दिक्कत होती है कि पावर हिटिंग करने के चक्कर में ऐसे कह सकता हूं कि बल्ला घुमाने के चक्कर में कई बार अपना विकेट देके जा सकते हैं। रोमन पवल को दोस्तों मैं अपनी स्मॉली की टीम में नहीं रखूंगा, ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पावर हिटर्स बड़ी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इमाद वसीम डेफिनेटली आप लोगों के लिए स्मॉली की टीम के एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, इवन आप लोगों के लिए दोस्तों वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे पिक हो जाते हैं इमाद वसीम, बिकॉज ये बैटिंग भी करेगा ये बॉलिंग भी करेगा, है ना। पिछले मैच में दोस्तों बैटिंग आई तो मात्र 4 रनों की पारी खेल पाए, उससे पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन बॉलिंग दोनों मैच में मिली और बॉलिंग से दोस्तों दो मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, पिछले ही मैच में 2 विकेट निकाले थे। अच्छे बॉलर है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, या तो बैटिंग से दे देंगे या बॉलिंग से दे देंगे या दोनों से दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो दे ही देंगे, तो अपनी टीम में उठाना है। वाइस कैप्टन के भी डिसेंट चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास लुइस ग्रेगरी का ऑप्शन आ जाता है, टीम का कैप्टन है, बैटिंग आने के चांसेस कम है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर हद से ज्यादा डाउन है, इनसे ऊपर राशिद खान को प्रमोट किया जाएगा, है ना। तो लुइस ग्रेगरी से अपन बैटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बॉलिंग ये बंदा करेगा और बॉलिंग से आपको देखो पॉइंट भी दे सकता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। पहले मैच में जो इस सीजन में इन्होंने खेला था उसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, जो पिछला मैच खेला उसमें तो दोस्तों विकेट नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना कंसिस्टेंटली बॉलिंग करेंगे, पूरे ओवर भी करके जा सकते हैं अपने और निकाल सकते हैं, इस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको दोस्तों ज्यादा सेफ खेलना हो तो लुइस ग्रेगरी को उठा लेना, लेकिन अगर हल्का फुल्का रिस्क लेना हो तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बिकॉज लुइस ग्रेगरी दोस्तों एक मेन बॉलर नहीं है, आपको भी पता है लुइस ग्रेगरी एक ऑलराउंडर है ना, मेन बॉलर नहीं है, तो जब इस बंदे की बैटिंग आएगी नहीं तो एक तरीके से ये बॉलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना। और अगर भाई एक पार्ट टाइम बॉलर और एक मेन बॉलर में से किसी को मुझे उठाना होगा तो मैं एक मेन बॉलर के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, है ना, इसीलिए बोल रहा हूं अगर आपको ज्यादा सेफ खेलना हो तो लुइस ग्रेगरी की तरफ जाना, लेकिन अगर हल्का फुल्का रिस्क लेना हो तो आप इनको ड्रॉप करके एक मेन बॉलर भी उठा सकते हो, बिकॉज ही इज ओनली ए पार्ट टाइम बॉलर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राशिद खान को तो अपनी टीम में उठाना ही है, कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है, इनमें तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, बॉलिंग भी करेंगे पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, पिछले मैच में 15 रनों की पारी खेली थी, 2 विकेट निकाले थे, बस एक ही मैच खेला इस सीजन में और अच्छा किया है, तो डेफिनेटली राशिद खान को उठाना बनता है, ठीक है। उसके बाद तो लुक वुड का अपने पास ऑप्शन आ जाता है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पिछले 2 मैच में 1 विकेट अपनी टीम के नाम किया है, थोड़े से एक्सपेंसिव रह रहे हैं, थोड़े से प्रेडिक्टेबल रह रहे, अगर आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिकॉज थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, बैट्समैन को पता पड़ जाता है कि कैसी बॉलिए फेंकने वाले हैं, है ना, तो इसीलिए थोड़े से एक्सपेंसिव भी साबित हो जाते हैं कई बार। उसके अलावा दोस्तों जॉर्डन थॉमसन है, अच्छे प्लेयर है, डाउन दी ओर आके बैटिंग करेंगे, बैटिंग से ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, बॉलिंग से आप उम्मीद कर सकते हो, थोड़ा सा वेरिएशन है इनकी बॉलिंग में उसकी वजह से ये फंसा सकते हैं बैट्समैन को, पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने 1 विकेट निकाला ही था और अच्छा कर सकते हैं जॉर्डन थॉमसन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अगर आपको हल्का सा रिस्क लेना हो देन यू कैन पिक जॉर्डन थॉमसन, है ना। और लास्ट में दोस्तों अपने पास सैमुअल कुक का ऑप्शन आ जाता है, पिछले मैच में अपने ट्रंप कार्ड निकले थे, सैमुअल कुक हमने अपनी टीम में उठाया था, बाकी किसी ने भी अपनी टीम में नहीं उठाया था, और ये एकमात्र रीजन था, एकमात्र तो नहीं बोलूंगा, एक दो रीजन और थे, लेकिन पिछले मैच में हमने जो 300 में क्लीन स्वीप की थी ट्रेंट रॉकेट्स वाले मैच में उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें डेफिनेटली सैमुअल कुक ने 2 विकेट निकाले थे और अपने को काफी अच्छे पॉइंट ये देके गए थे, है ना। इनकी दोस्तों क्या की रीसेंट फॉर्म खराब चल रही थी, आप देखोगे पिछले मैच को हटा दो तो उससे पिछले 4 मैच में ओनली 1 विकेट इनके नाम, है ना, रीसेंट फॉर्म काफी खराब चल रही थी, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों ने सैम कुक को अपनी टीम से ड्रॉप किया हुआ था, लेकिन हमने इनको जो है अपनी टीम में रखा था, इनके ऊपर भरोसा दिखाया था, इन्होंने 2 विकेट निकाले थे पिछले मैच में और अच्छा करके गए थे, है ना। और मैं तो आज भी सोच रहा हूं कि सैम कुक को अपनी टीम में उठाऊं, टू बी ऑनेस्ट। ये बात हो जाती है दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स के सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में। कुछ दोस्तों अपने पास प्लेयर बैटल्स हैं ट्रेंट रिकॉर्ड्स के प्लेयर्स के, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने एक बार बस नजर के नीचे से उतार लो, ज्यादा इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे कि एलेक्स हेल्स की अगर मैं बात करूं तो लियाम लिविंगस्टन के अगेंस्ट ये 2 बार अपना विकेट दे चुका है वैसे तो, है ना, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन आपको पूरे ओवर बॉलिंग कहां करते हुए दिखेंगे, नहीं करते हुए दिखेंगे, आपको भी पता है ना। ऊपर से दोस्तों एलेक्स हेल्स करते हैं ओपनिंग,
या फिर आ जाते हैं नंबर 3 पर, और लियाम लिविंगस्टन उस टाइम पे बॉलिंग करेंगे ही नहीं जिस टाइम पे एलेक्स हेल्स बैटिंग कर रहे होंगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि इन दोनों का आमना सामना होगा ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा फोकस मत करना, बस आंखों के नीचे से निकाल लो। जस्ट इन केस आप में से कोई ग्रैंड लीग के टीम्स बना रहा हो, ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उनको ये ज्यादा हेल्प कर जाएंगे, ठीक है। बाकी मोइन अली के अगेंस्ट भी दोस्तों 2 बार इन्होंने अपना विकेट दिया है, शोन एबट के अगेंस्ट भी इन्होंने 2 बार अपना विकेट दिया है, लेकिन ध्यान रखना शोन एबट को इन्होंने मारा भी है, 29 बॉल में 61 रन मारे हैं, तो वो हो जाती है 200 प्लस की स्ट्राइक रेट, है ना। तो शेन एबट को ये काफी आसानी से खेल लेते हैं, बाकी एक एक विकेट को तो अपन कंसीडर करते ही नहीं है, एक एक विकेट वाले कोई भी प्लेयर बैटल की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। ऐसे ही टॉम बेंटन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो क्रिस वुड के अगेंस्ट 2 बार अपना विकेट दिया है, लेकिन क्रिस वुड आज वाले मैच में मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, तो बात खत्म। एडम लिथ की अगर मैं बात करूं तो एक एक विकेट ही है, यहां पर भी एक एक विकेट ही है, तो इनके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, देखो वो आपकी चॉइस है। बाकी लुइस ग्रेगरी भी दोस्तों बेनी हावल के अगेंस्ट 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, लेकिन उनको ले लेते हैं आड़े हाथ, 26 बॉल में 52 रन भी है, ये बात भी ध्यान रखना। और रोमन पवल का एक एक विकेट है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हो जाता है प्लेयर बैटल, है ना। वो बात हो जाती है दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स की। अब अपन बात करते हैं बिर्मिंघम फिनिक्स की, तो इनके जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार आप नजर मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना। जैसे कि ये दोनों डोनाल्ड और ऋषि पटेल दोनों यंग प्लेयर हैं, तो ओपनिंग पार्टनरशिप तो इनकी वैसे ही मोस्ट टाइम फ्लोप होने वाली है। उसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर इनका स्ट्रॉन्ग है, लियाम लिविंगस्टन, डेन मोसली, मोइन अली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेकम बीथल भी अच्छा कर रहे हैं अभी, बेनी हवल, जेम्स फुलर, है ना, ये सारा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि सारे हॉट एंड कोल्ड टाइप प्लेयर है कि कभी मारेंगे तो मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे, है ना, कुछ ऐसे टाइप के प्लेयर है। कंसिस्टेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की, ध्यान रखना वही पॉसिबल प्लेइंग 11 है, फाइनल प्लेइंग 11 टॉस होने के बाद अपने को पता लगेगी, आपके साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल में हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, आपकी स्क्रीन के सामने। डेफिनेटली दोस्तों डोनाल्ड और ऋषि पटेल को तो मैं अपनी स्मॉल की टीम में नहीं रखना, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप तो मैं उधर ट्रेंट रॉकेट्स की उठाने वाला हूं, इनको नहीं रख रहा, एक्सपीरियंस भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, क्यों ही रखूंगा, है ना। बाकी फिर मिडल में से दोस्तों अपन कुछ प्लेयर्स उठाएंगे, लाइक लियाम लिविंगस्टन को आप सेफ खेलना चाहो अपनी टीम में उठा सकते हो। पिछले 2 मैच की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पहले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं मिली थी, दूसरे मैच में बॉलिंग मिली तो विकेट नहीं मिला, बैटिंग से दोनों मैच में ये बंदा फ्लॉप हो चुका है, तो अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से इनको ड्रॉप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा सेफ खेलना चाहो तो अपनी टीम में उठा लेना, सीधी सी बात है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन इज अ गेम चेंजर प्लेयर, अगर ये चल गया तो फिर गेम को एक तरफा भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेन माउसली की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग दोनों मैच में मिली है, लेकिन बॉलिंग में विकेट अभी तक नहीं मिले, पिछले मैच में 39 रनों की पारी खेल दी थी भाई ने। अगर आपको यू नो लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप करे हो तो फिर डेन माउसली को आप उठा सकते हो। उसके बाद दोस्तों मोइन अली है, पहले मैच में तो दोस्तों बॉलिंग इन्होंने भी नहीं की थी, टीम के कैप्टन है ना, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला, दोनों मैच में बैटिंग से भी फ्लॉप है, तो जो बड़े बड़े नाम है वो बेसिकली फ्लॉप हो रहे हैं बिर्मिंघम फिनिक्स में, जैसे मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, है ना, दोनों फ्लॉप हुए हैं दोनों मैच में अभी तक, है ना। बाकी अगर आप स्टेट्स देखोगे मोइन अली को तो 23 मैच में 486 रन है, 12 विकेट हैं, अगेंस्ट में ठीक ठाक है इनका, 4 मैच में 117 रन है, प्लस 4 विकेट भी हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ अपनी स्मॉल लीग टीम में उठाने का। जेकब बीथल दोस्तों बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 मैच में अच्छा खासा स्कोर इन्होंने किया, पिछले मैच में 43 रनों की पारी भी आई थी, तो अगर आप जेकब बीथल को उठाना चाहो, बहुत रिस्की हो जाएंगे वैसे, ज़्यादा अपन वो नहीं कर सकते उनसे एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर आप उठाना ही चाहो तो देखो वो आपकी चॉइस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास बेनी हवल का ऑप्शन आ जाता है, जेम्स फुलर का ऑप्शन आ जाता है, इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली मैं किसी एक को ही उठाऊंगा, और एक को उठा रहा हूं तो बेनी हवल को उठाऊंगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी इनका थोड़ा सा ऊपर है, और बॉलिंग भी ये थोड़ी सी बेटर करके आपको दे सकते हैं। पिछले मैच में 24 नॉट आउट की अच्छी पारी भी खेली थी, एक विकेट भी निकाला था, उससे पिछले मैच में भी दोस्तों 24 रनों की पारी खेली थी, तो कर सकते हैं ये, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। बेनी हवल दोस्तों एक बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, है ना, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बेनी हवल इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर और अच्छा कर सकते हैं ये, ठीक है। आप रिकॉर्ड भी देखोगे तो अच्छे हैं इनके, 26 मैच में 231 रन है, 28 विकेट भी हैं। जेम्स फुलर भी दोस्तों वैसे तो एक बड़ा नाम है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि चांस कम मिलते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन है, रिकॉर्ड आप देखोगे रिसेंट तो कुछ खास नहीं है। आप जेम्स फुलर को उठाना ही चाहो तो देखो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मेरे को लगता है इस मैच में भी बैटिंग आ जाएगी, ट्रेंट रॉकेट्स की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो इतने विकेट निकाल लेंगे कि इनकी बैटिंग आ जाए, है ना, और बॉलिंग भी इनको मिलेगी, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मौका मिलेगा, लेकिन कितना मौका मिलेगा और कैसी परफॉर्मेंस करेंगे देखो वो मैं कुछ अभी आपको कन्फर्म नहीं बोल सकता, वो पिच के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है शोन एबट का, एडम मिलने का, और एक बॉलर हो रहे हैं इनके टीम साउदी, है ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट इनकी अच्छी है, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट, जिनमें से दोस्तों शेन एबट को डेफिनेटली हम अपनी टीम में उठाएंगे, पिछले मैच में 4 विकेट लेके आ रहे हैं, उसके पिछले मैच में दोस्तों विकेट नहीं मिले थे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों शेन एबट आपको डेप्थ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उसकी वजह से ये बल्क में भी विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मस्ट पिक हो जाते हैं शोन एबट। तो एडम मिलने की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पिछले दोनों ही मैच इनके विकेट लेस गए हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों
एडम मिलने इज अ गुड बॉलर, न्यूजीलैंड के एक अच्छे पेसर हैं, है ना। और स्टेट्स की अगर आप बात करें तो डी हंड्रेड में रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, 17 मैच में 22 विकेट है। इकोनॉमी रेट भी कंट्रोल में रहती है, 7.53 की है, जबकि शोएब बट की आप देखोगे तो 9+ की जा रही है, लेकिन ये अपनी इकोनॉमी रेट 7.5 के समथिंग ही रहती है, तो मतलब ज्यादा ठुकाई नहीं होती है। और मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि एडम मिलन आने वाले 1-2 मैच में बहुत अच्छा धमाका करने वाला है, हो सकता है इस मैच में ही कर दे, हो सकता है उससे अगले मैच में करे, लेकिन अच्छा खासा आपको पॉइंट देने वाला है। तो ग्रैंड लीग की टीम में तो आपको एडम मिलने को उठाना ही उठाना है, बाकी स्मॉल लीग की टीम में अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। टीम साउदी को अपन उठा लेंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर है न्यूजीलैंड के, ये भी 2-2 विकेट निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्ड अच्छा है, 100 में 3 मैच में 7 विकेट है। इकोनॉमी रेट इनकी तो और भी कंट्रोल में रहती है, तो डेफिनेटली टीम साउदी को तो उठाने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो टीम साउदी श्योने बट ये दोनों तो उठाएंगे ही उठाएंगे, बाकी एडम मिलने को भी अगर आप उठाना चाहो रिस्क लेके तो उठा सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग की टीम में तो ये तीनों पेसर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, मैं आप लोगों को ग्रैंड लीग की टिप देना चाहूंगा कि ग्रैंड लीग की जिस टीम में आप इन तीनों पेसर को एक साथ अपनी टीम में उठा रहे हो, टीम सऊदी, शोने बट और एडम मिलने, है ना, टीम सऊदी, शोने बट और एडम मिलने, इन तीनों को जिस टीम में आप ग्रैंड लीग में एक साथ उठा रहे हो, उस टीम से आप ट्रेंट रॉकेट्स के टॉप ऑर्डर में से 1-2 प्लेयर जरूर ड्रॉप करके चलना, यानी कि एलेक्स हेल्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना, एडम लिथ को अपनी टीम से ड्रॉप करना, ठीक है। और टॉम बेंटन को भी अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टॉम बेंटन अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको चाहे मत करना, लेकिन इनको तो एलेक्स हेल्स और एडम लिथ को ड्रॉप कर ही देना जिस टीम में आप इन तीनों पेसर को उठाओ, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों कुछ अपने पास प्लेयर बैटल्स वगैरह, तो यहां पर कुछ खास वैसे तो है नहीं, ये है लियाम लिविंगस्टन का, जोर्डन थॉमसन के अगेंस्ट 3 बार अपना विकेट दे चुके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल हो जाता है बेसिकली, क्योंकि इन दोनों का आमना सामना होगा। राशिद खान के अगेंस्ट भी दोस्तों 3 बार इनका विकेट है ना, तो लियाम लिविंगस्टन के वही बात है, बैटिंग से परफॉर्मेंस करने के चांसेस थोड़े से और कम हो जाते हैं, ग्रैंड लीग की टीम से आप ड्रॉप करने का देख सकते हो। ऋषि पटेल जोर्डन थॉमसन के अगेंस्ट 2 बार विकेट है, हैरिसन तो हो सकता है आज वाले मैच में नहीं खेले, माउसली दोस्तों जोर्डन थॉमसन के अगेंस्ट 3 बार विकेट है ना, तो ये बात ध्यान रखना। एक्चुअली जोर्डन थॉमसन का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो मैं आपको बता रहा था जोर्डन थॉमसन अच्छा कर सकते हैं, वो इस मैच में तो बेसिकली अच्छा कर ही सकते हैं, ठीक है। मोइन अली के अगेंस्ट भी दोस्तों राशिद खान ने भी अच्छा किया है, बाकी यहाँ पर जेकब बिथल को भी जोर्डन थॉमसन ने 2 बार आउट कर रखा है 8 बॉल में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है जोर्डन थॉमसन। ऑल इन ऑल आप लोगों की स्मॉल लीग की टीम के लिए एक अच्छे पिक निकल सकते हैं, ट्रंप प्लेयर। अब दोस्तों देखो यार, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस मैच की एक टीम आपको मैं वीडियो में बना के दिखाऊंगा, तो फटाफट से वही काम अपन पूरा कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी टीम उनकी स्क्रीन पर, है ना, और ये मैच खोल लिया, टीम में आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों जो भी टीम इस वीडियो में अभी बनने वाली है वो रहेगी एक डेमो टीम, ठीक है, क्योंकि फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख ही पा रहे हैं आप, फिलहाल में खुद आराम से देख सकते हो, 1,76,000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए और रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं। कल वाला जो इंडिया श्रीलंका का मैच था उसमें मेरी पर्सनल विनिंग के स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल रखे हैं, काफी अच्छी विनिंग हुई थी यहाँ पर, है ना, और रेगुलर बेसिस पे दोस्तों हम यहाँ पर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमाते ही रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको यही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है मैंने आपको बता दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से तो टॉम बेंटन को उठाना ही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन पे, है ना। अब दोस्तों मेरी एक बात सुनो, यहां पर एकदम जो कंफर्म पिक है मेरे दिमाग में वो है सेमहेन, सेमहेन को तो मैं अपनी टीम में उठाऊंगा और ऋषभ पटेल, एडम लिज और बीथल को अपनी स्मॉल टीम में नहीं उठाऊंगा, ठीक है। बस ऊपर 2 पिक्स हो रहे हैं, एलेक्स हेल्स और लियम लिविंगस्टन, इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दोनों दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, ये बात ध्यान रखना। दोनों को ही अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो बड़ा रिस्क है, लेकिन ड्रॉप करने का देख सकते हो, ठीक है। पहले आते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में एक्चुअली मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, थोड़े रिस्की पिक्स उठाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं उठाने तो देखो वो आपकी चॉइस है, आपको एकदम ही सेफ खेलना हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन हल्का सा रिस्क में लेने वाला हूँ, ठीक है। क्या लेने वाला हूँ वो सुनो, पहले तो इमाद वसीम उठाऊंगा, ये तो एकदम सेफ चॉइस हो जाता है। लुइस ग्रेकरी को ड्रॉप करने का एक रिस्क में ले रहा हूँ, बेनी हवल को अपनी टीम में उठाऊंगा, उसके अलावा दोस्तों जोर्डन थॉमसन को उठाने का एक बड़ा रिस्क में ले रहा हूँ। अगर आपको जोर्डन थॉमसन नहीं चाहिए देन यू कैन ड्रॉप हिम, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जोर्डन थॉमसन को ड्रॉप करो और किसी प्लेयर को पिक करो, ठीक है। तो ये काम हो जाता है, जोर्डन थॉमसन को ड्रॉप करके इवन आप लुइस ग्रेकरी को उठाओ वो थोड़ा सा सेफ चॉइस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मोस्टली वगैरह को मैं अपनी टीम में नहीं उठाऊंगा, बस एक चॉइस हो रहा है मोइन अली, आप मोइन अली को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका रीजन मैंने आपको अभी स्टेट्स के टाइम पे बताया था, क्योंकि रिकॉर्ड ठीक ठाक है ना। बाकी दोस्तों ये चीज भी मैंने आपको बताई थी पिच रिपोर्ट बताते टाइम कि यहाँ पर स्पिनर को काफी कम सपोर्ट है, तो वैसे तो मोइन अली को उठाना थोड़ा सा रिस्की ही है, क्योंकि आउट ऑफ टच भी चल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग कहीं से भी पॉइंट नहीं दिए हैं पिछले 2 मैच में, और स्पिनर को यहाँ पर सपोर्ट भी कम है। तो ये सारी चीजें देख के अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए मैं चलो उठा लेता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन से मैं राशिद खान उठाऊंगा, टीम सऊदी उठाऊंगा, नो डाउट एडम मिलने ग्रैंड लीग के टिपिक हो जाते हैं, उसके बाद शेन एबर्ट उठाऊंगा, इसमें भी नो डाउट, और सेम कुक को भी दोस्तों मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, ठीक है। अगर आप सैमुअल कुक को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो ओनली 20% लोगों ने सैमुअल कुक को अपनी टीम में उठाया है, तो बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हैं।
अगर आप उनमें से एक होना चाहते हो तो हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से रिस्की सी पिक है ना, आप इनको ड्रॉप कर दोगे अगर सैमुअल कुक को, तो आप आराम से फिर बैटिंग सेक्शन में आके एलेक्स एल्स और लियाम लिविंगस्टन दोनों को उठा पाओगे और ये वाली टीम आप बना पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सैम कुक के साइड जाते हो तो फिर आपको एलेक्स एल्स, लियाम लिविंगस्टन या फिर मोइन अली, जोर्डन थॉम्सन, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, देन यू कैन पिक जोर्डन सॉरी सैम कुक, है ना। अब दोस्तों बात यह है कि अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है ना, तो आप आराम से एलेक्स एल्स को ड्रॉप करो या फिर लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप करो। लेट से लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप किया और यहां से आके फिर आप सैम कुक उठा लो, ठीक है। ये वाला आप काम कर सकते हो, एक एक अच्छी रिस्क की टीम है ये, इस टीम से आप मिनी ग्रैंड लीग तक भी निकाल सकते हो अगर चल गई तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना हो तो आपको क्या करना है, मैं सिर्फ इसी में चेंजेस करके आपको बता देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ से जोर्डन थॉम्सन को ड्रॉप करो, आप यहाँ से लियम लिविंगस्टन को उठाओ, या आप यहाँ से सैमुअल कुक को ड्रॉप करो, आप यहाँ से लुइस ग्रेगरी को उठाओ, ठीक है। ये एक दो चेंजेस अगर आप कर लेते हो तो फिर वो एक सेफ टीम हो जाती है और सेफ टीम से डेफिनेटली आप स्मॉल लीग आराम से खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के लिए आपकी जो स्क्रीन के सामने टीम है, यही टीम मैं फाइनलाइज कर रहा हूं। इसमें दोस्तों जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो आप लोगों के साथ में टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के, नहीं 11 प्लेयर में। लेकिन उससे पहले देखो सारी एनालिसिस मैंने कर दिया, पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दिया, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप राशिद खान, इमाद वसीम के साथ जा सकते हो, ये दोनों हो जाते हैं अच्छे ऑप्शन। टॉम बेंटन काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको आप कंसीडर कर सकते हो। एंड अदर देन दैट अगर मैं बताऊं तो दोस्तों थोड़े से यू नो रिस्की से पिक हैं जो कि मैं आपको अब नेक्स्ट बताने वाला हूं, लेकिन अच्छा निकल सकता है, ही इज बेनी हावल, ठीक है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों आपको करके दे सकते हैं, तो ये चॉइसेस हैं फिलहाल के लिए। दोस्तों इस वीडियो की सेक के लिए काम करो, आप राशिद खान को कैप्टन कर लो और आप एक काम करो, लेट्स से इमाद वसीम को, नहीं इमाद वसीम को रहने दो, बेनी हावल को वीसी कर लो, थोड़ा सा रिस्की देते हैं ना। बाकी दोस्तों फाइनल जो सीबीसी होंगे ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।